AI Unsealed के इस रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्षेत्र में AI हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। इससे हम अपनी वॉइस एडिट कर सकते हैं, इससे हम अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम इससे अपना फेक स्टूडियो भी एडिट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो स्टूडियो मैंने तैयार किया है वो AI की मदद से तैयार किया है और ये फेक स्टूडियो है और इसके लिए मुझे कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फेक स्टूडियो मैंने तैयार किया है। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरह का स्टूडियो AI की मदद से जनरेट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। मैं आपका दोस्त आयुष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टेक इन्फॉर्मर में। तो यार बिना बकवास करते हुए चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको बिना हिले डुले अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर रिकॉर्ड किए वीडियो बिल्कुल हिल नहीं रहा हूँ, ऐसे ही आपको एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है और उसके बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में आ जाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कैन मास्टर का उपयोग करता हूँ, आप जिस भी एप्लीकेशन का उपयोग करते हो उसमें चले जाना है और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में और गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है Adobe Firefly। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने कई सारी वेबसाइट खुल के आ जाएंगी, तो सिंपली आपको सबसे पहले नंबर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। तो सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है और डेस्कटॉप साइड में करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके अपनी गैलरी से वो वाली फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है जो आपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर से स्क्रीनशॉट लिया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो वाली फ़ोटो मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम दो ऑप्शन का ही यूज रहेगा, सबसे ऊपर में इंसर्ट और दूसरे ऑप्शन पे आपको रिमूव मिल जाएगा। तो दोस्तों दो ऑप्शन का यूज यहाँ पर हम करने वाले, तो सिंपली हम रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और एक एरिया को हमें रिमूव कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों इस एरिया को मैं बहुत जल्दी से रिमूव कर देता हूँ, आपको बहुत आराम से इसे रिमूव करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ऊपर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें एक बुक सेल्फ लगाना है, तो हम यहाँ पे बुक सेल्स यहाँ पे सर्च कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो बुक सेल्फ है यहाँ पे इसने कई सारे बना के दे दिए, तो सिंपली हम इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर दोबारा रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें इस हिस्से को रिमूव कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये जब पूरे तरीके से रिमूव हो जाए फिर दोबारा हमें इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको डाल देनी है इंडोर प्लांट्स। तो दोस्तों यहाँ पर इंडोर प्लांट डालने के बाद आपको जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कई सारे हमें यहाँ पर इंडोर प्लांट के फ़ोटो यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो दोस्तों जौन सा भी अच्छा लगे आपको वो आप उस पर क्लिक करके उसे सेव कर देंगे दोस्तों। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, सिंपली मैं इस पर क्लिक करके सेव कर देता हूँ। तो सेम इन्हीं स्टेपों का प्रयोग करके आपको दोस्तों ऊपर में भी कुछ ना कुछ लगा लेना है दोस्तों और नीचे में भी आपको एक लैंप का प्रयोग कर लेना है दोस्तों। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी से इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना बैकग्राउंड जो है यहाँ पर इमेज जो है बना ली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने अपनी इमेज बनाई है जो कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत अच्छी लगी। तो सिंपली मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेता हूं दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों मैं यहां पर काइन मास्टर का उपयोग कर रहा हूं। सिंपली दोस्तों मैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में चले जाऊँगा और जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर आपको इस फोटो को रख लेना है दोस्तों। तो मैं मीडिया वाले ऑप्शन में क्लिक करके इस वाले फ़ोटो को लगा देता हूँ और इस वाले फ़ोटो की लेंथ को इंक्रीज कर देता हूँ दोस्तों मैं। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है मैं उस वीडियो को यहाँ पर ले लूँगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को फुल फ्रेम में कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को फुल फ्रेम में कर लेता हूँ। फुल फ्रेम में करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉपिंग का। तो दोस्तों आप क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाके
आपको यहाँ पर मास्क को इनेबल कर देना है और इस वीडियो को आपको अच्छे से क्रॉप करके यहाँ पर इस जगह पे आपको इसको सेट कर देना है दोस्तों। दोस्तों मैं वीडियो को अच्छे से क्रॉप कर लेता हूँ और क्रॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपने जो इमेज तैयार की है AI से, उस इमेज के अंदर आपकी जो फोटो है वो वीडियो है वो नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको सेट कर लेता हूँ दोस्तों, और आपको इसके फर्दर को भी इंक्रीज कर देना है दोस्तों। तो मैं यहाँ से कुछ फर्दर को भी इंक्रीज कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो का यहाँ पे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो कितनी अच्छी लग रही है और हमारा जो स्टूडियो है वो भी एकदम रियलिस्टिक लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं सिंपल स्टेपों को फॉलो करके आप भी कुछ इस प्रकार से अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं और फेक AI बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।